हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस चैनल पे अगर नए हैं तो फिर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत ही जेन्युइन टेक्निकल चीज़ों के बारे में रिव्यू वीडियो लाता रहता हूँ। सो जैसे कि देख सकते हैं, इस वीडियो में मैं इस MI पावर बैंक 3i को रिव्यू में ले रहा हूँ। इसका जो पावर कैपेसिटी है 20,000 mAh है और इसका फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है 18W वाला। तो अभी के लिए बात यह है कि इस पावर बैंक को मैंने लोकल MI स्टोर से परचेस किया और अभी मैं इसका रिव्यू लूँगा। मैं इस बारे में बात करूँगा कि MI पावर बैंक 3i का जो ये पैकेट है, इसके अंदर क्या रहता है और इसका जो पावर कैपेसिटी है वो कैसे वर्क करता है। हम एक बार फुल चार्ज करने पर इस पावर बैंक से कितना आउटपुट ले सकते हैं, कितना बार अपना मोबाइल फ़ोन जो है उसको चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आप एक्साइटेड हो इस पावर बैंक के बारे में जानने में और इस पावर बैंक को ख़रीदना चाहते हो, अगर जानना चाहते हो कि कितना बार आप अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हैं इस पावर बैंक से, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यहाँ मैं इस एक्सपेरिमेंट को 3-4 दिनों के लिए कंटिन्यू करूँगा, फिर आपको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा इस पावर बैंक के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इस बॉक्स को। सो यही कुछ है बॉक्स में। सिंपली आप देख सकते हो ये पावर बैंक है और यहाँ पे माइक्रो USB और ये USB A टाइप और C आउटपुट जो अडाप्टर दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यूज़र मैनुअल है जो कि सिंपली आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कुछ दिया रहता है। तो यही कुछ है अभी के लिए। तो बस इसको अभी टेस्ट करने की बारी है। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 पोर्ट्स है टोटल, USB A पोर्ट दोनों साइड, और ये Type-C है और ये Micro USB है। आप इन दोनों पोर्ट से Micro USB और Type-C से आप चार्ज कर सकते हैं, लेकिन Micro USB से आउटपुट नहीं निकलेगा, लेकिन Type-C से आउटपुट निकलता है। सो ये तीनों पोर्ट रहा आउटपुट निकलने के लिए, और इनपुट के लिए ये दोनों पोर्ट। तो यही कुछ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ कि इस पावर बैंक को मैं फुल चार्ज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं ये इसको चार्ज करता हूँ डे बाई डे। इसके लिए वीडियो को शूट करने के लिए मुझे 3-4 डेज़ का टाइम लगेगा, ताकि मैं अच्छे से दिखा पाऊँ कि कैसे मैं इसको चार्ज कर रहा हूँ और इसका आउटपुट कितना निकलता है। सो जैसे कि देख पा रहे हैं कि फुल चार्ज अभी हो चुका है, ये 4 LED जो है वो जल रहा है, और इसको चार्ज करने में थोड़ा बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया, इट्स अराउंड 6 आवर। सो अभी चार्ज कम्प्लीट हो चुका है और अपना एक्सपेरिमेंट जो है शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ कि अपना फ़ोन जो कि है 0% या फिर 1% तक वेट करता हूँ, उसके बाद मैं फर्स्ट चार्ज में लगाऊंगा और देखते हैं कि कितना टाइम मैं चार्ज कर पाता हूँ मेरा फ़ोन को, जो कि 4000 mAh बैटरी है, बैटरी कैपेसिटी। सो चार्जिंग टाइम, और मेरा जो फ़ोन है आप देख सकते हैं यहाँ पे 2% चार्ज पे आ गया है यहाँ पे, और अभी मुझे चार्ज पे लगाना है। सो फर्स्ट चार्ज ये मैं दे रहा हूँ, जैसे कि देख सकते हैं ये वायर। तो अभी मैं इसको फर्स्ट चार्जिंग पे लगा रहा हूँ, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे टाइम आप देख सकते हैं 150 है, जो कि दोपहर का टाइम है। अभी कितना देर में चार्ज हो पाता है वो भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। सो फर्स्ट चार्ज इज कम्प्लीट एज यू कैन सी, यहाँ पे देख सकते हैं 100% शो कर रहा है। चार्जिंग टाइम कितना लगा वो अभी के लिए मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं सो गया था, मुझे पता नहीं चला कब चार्ज फुल हो चुका है। सो जो भी हो, मैं सेकेंड टाइम जब चार्ज करूँगा तब ये नोटिस करूँगा और ज़रूर बताऊँगा। सो टाइम फॉर द सेकेंड चार्ज, यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी लेवल 3% पे आ चुका है, और यहाँ पे पावर बैंक रेडी है। सो जैसे कि देख पा रहे हैं कि 5:50 पे मैंने फ़ोन को चार्ज में दिया, और देखते हैं कि कितनी देर में फुल चार्ज हो पाता है। अभी चार्ज फुल हो चुका है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेशन दिखा रहा है कि 98% चार्ज फुल हो चुका है, और टाइम देख लीजिए 7:40। सो ओवरऑल मुझे जो लगा 1 hour 50 minutes। मैंने इस दौरान फ़ोन यूज़ किया था 10-15 मिनट। सो
सो आप कह सकते हैं कि आपको 1.5 घंटा तो चार्ज करने में ही लग जाएगा इस फ़ोन को। सो अभी सेकेंड चार्ज करने के बाद बैटरी लेवल 75% से नीचे आ चुका है, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 LED लाइट्स है लेकिन 3 LED लाइट्स अभी के लिए जल रहे हैं। सो इसका इंडिकेशन हुआ 75% से नीचे चला गया चार्जिंग लेवल। सो टाइम फॉर द थर्ड चार्ज, अभी 1% बैटरी चार्ज आप देख सकते हैं हो चुका है और अभी थर्ड टाइम मैं चार्ज पे दे रहा हूँ। थर्ड टाइम का चार्ज फिनिश होने के बाद अभी फोर्थ टाइम मैं चार्ज पे दे रहा हूँ और जैसा कि देख पा रहे हैं कि पूरा फ़ोन जो कि है डेड हो चुका है, बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। और यहाँ पे पावर बैंक का जो इंडिकेशन है वो देख सकते हैं, बस चार्ज जो है घट के 75% से नीचे चला गया है। यहाँ पे एक ही LED जल रहा है, देख पा रहे होंगे। सो यही है और इसको चार्ज में देते हैं अभी और देखते हैं कि कितना परसेंट मेरा फ़ोन जो है चार्ज हो पाता है। फुल चार्ज शायद नहीं होगा लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ 50% हो जाए। सो फाइनली पावर बैंक इज़ डेड, कम्प्लीटली आउट ऑफ चार्ज और अभी फ़ोन देख सकते हैं कि बस 45% ही चार्ज हो पाया है अभी। तो यही था इस एक्सपेरिमेंट का दी एंड कि मैंने फ़ोन को टोटल 3.5 बार मैंने ऑन एन एवरेज चार्ज किया। सो रिज़ल्ट क्लियरली आपके सामने हैं और फर्स्ट टाइम फर्स्ट हैंड यूज़ करने पर ये पावर बैंक कितना आउटपुट देता है वो तो आपको पता चल ही गया है। सो वीडियो अगर यूज़फुल लगा, अगर जेन्युइन लगा तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप जानना चाहते हैं इस पावर बैंक का लाइव स्टेटस, मैं अभी कितना बार चार्ज कर पा रहा हूँ इस पावर बैंक से अपने फ़ोन को, तो आप कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मुझे भी हौसला मिले कि मैं फादर और जेन्युइन वीडियो ऐसा ही लाता रहूँ। सो टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।